आप मेरे मम्मी पे लाइन क्यों मार रहे हो? उधर से क्यों घूर घूर के देख रहे हो? देखो पापा बार बार है ना इधर हमारे पास देख रहे हैं ना, तो जो पीछे लड़की बैठी हुई है ना उधर मम्मी के पीछे, उसको बहुत टेंशन आ रहा है कि ये लड़का इधर हमारे पास क्यों देख रहा है बार बार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मज्जामा कैसे हो आप सब लोग? तो कल ना हमने रात में होटल चेंज कर लिया था और हम लोग है ना ये वाले होटल में आ गए थे, तो एकदम अच्छे से नींद वगैरह सब हो गई है हमारी। अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए और मैं आपको आज का प्लान बताती हूँ कि हम लोग है ना कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं। देखते पापा से पूछ, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है गाइस, हाय पापा। चलो जल्दी हो गए रेडी? यस मैं हो गई हूँ रेडी। चलो चलो खाना खाने चलो। यस खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुलना। देखो मैं बताती हूँ खाने में क्या क्या है। ये मसाला वड़ा, गुलाब जामुन, ये चटनी है इधर की साइड। मम्मी ये क्या है? ये सेवैया, अपन जो घर पे बनाते हैं ना। हाँ हाँ मसाला सेवैया ये है। फिर इधर की साइड चपाती है, इधर की साइड पास्ता है और ये मिक्स वेज कोरमा, और इधर की साइड है हॉन्ग कॉन्ग फिश। देखो ये रही मेरी प्लेट, इतने सारे आइटम में से ना मैंने फ्रूट कॉर्नफ्लेक्स और ये सेवैया ली है। ये देखो लिफ्ट कितनी नीचे, अब आएगी धीरे धीरे ऊपर। देखो कैसे ऊपर आ रही है लिफ्ट। पापा आज हम कहाँ जाने वाले घूमने? अभी हम बैंगलोर जाने वाले, फिर उसके बाद में ना आगे का मैं बताता क्या करने का है। ठीक है चले। तो हम लोग अभी यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और हम लोग चले यहाँ से बैंगलोर। गाइस बैंगलोर जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे, है ना पापा? इस बार बताओ कहाँ कहाँ घूमेंगे हम, कहाँ कहाँ घूमने वाले? चलो तो बैंगलोर चलो, फिर वहाँ पे जाके देखेंगे तुमको जहाँ घूमने का है घूमो। यस देखो हम लोग है ना ये होटल में रुके थे, बहुत ही अच्छे होटल है और बहुत सही होटल है। लाइक करो जल्दी से गाइस प्लीज। देखो गाइस हमारी कैब आ गई है, अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। आपके व्लॉग का क्या हुआ? मम्मी का जो यूट्यूब चैनल है हम जल्दी खोलेंगे, मैं आपको भी बताऊंगी, फिर आप लोग सब्सक्राइब कर देना। हाँ मैं कोशिश करूंगी बनाने की। बैंगलोर जाके हम बैंगलोर की नाइट लाइफ देखेंगे। मैंने सुना है कि बैंगलोर की नाइट लाइफ बहुत पार्टी शार्टी वाली होती है और अब तो ईद एंड ऑल के हॉलीडेज भी चल रहे हैं। देखो यहाँ पर लाल परी भी है, लाल बस। इसका है ना मतलब रेड बस को महाराष्ट्र में लाल परी बुलाते हैं। ये रही हमारी एसी वाली बस। चलो मैं चलूं ऊपर। आओ मम्मी हम चलते ऊपर। कौन सी वाली सीट पकड़े हम, सामने बैठे या पीछे? पीछे चलते। यहाँ पे ठीक है, देखो पूरी बस खाली। ये वाली। देखो हम सब लोग बैठ गए यहाँ पे, भैया और पापा बैठे हैं यहाँ पे, मैं और मम्मी बैठे हैं। हम कितने सालों बाद बस में बैठे हैं ना। यस कितने साल हो गए, लास्ट टाइम हम कब बैठे थे वो भी? जब हम लखनऊ से आ रहे थे, चीकू भी पेट में था ना। हाँ चीता पेट में था तब हम बस में बैठे थे। 3 साल पूरे हो गए बस में बैठ के, अभी 14 साल शुरू। फाइनली गाइस 20 मिनट के बाद में बस निकल गई है बैंगलोर जाने के लिए। बाय मैसूर, हम जा रहे हैं, मिलेंगे जल्दी। बस के फ्रंट सीट ड्राइवर के साइड बैठ के ट्रैवल करने का जो मजा है वो कहीं नहीं है। क्या बेस्ट व्यू है सामने। एंड ऐसे 100 किलोमीटर बैंगलोर की तरफ आने के बाद हमें दिखाई दी एक पहाड़ी, और ये वही पहाड़ी है जहाँ पे शोले मूवी शूट हुई थी, जहाँ डाकू गब्बर सिंह का ठिकाना हुआ करता था। वहाँ गब्बर सिंह की पहाड़ी निकले जा रही थी और मैं यहाँ अपनी नींद मार रही थी। थैंक गॉड मम्मी ने वीडियो निकाल लिया। मम्मी और मैं हम दोनों सो गए थे, अभी उठे। यार मम्मी कितना टाइम लगेगा? और 1 घंटा लगेगा। अब बैठा नहीं जा रहा, बहुत मजा आ गया, अभी बोर हो रहा है मेरे को। देखो हम लोग बैंगलोर पहुँच गए, अभी है ना ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग देखने मिलेंगे। कोई बैंगलोर से है क्या कमेंट्स में बताओ। तो हम लोग अभी बैंगलोर पहुंच गए, यहाँ से हम जाएंगे हमारे होटल। देखो उधर सामने ना चिप्स वगैरह है, चलो ना पापा लेके दोनों को। आइसक्रीम भी है वहाँ पे, लेकिन मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, मेरा गला ऑलरेडी बैठ गया है। क्या लू यार, कितने सारे चिप्स है यहाँ पे। समोसा खा रही है? लगा ही था आपकी नजर। बड़ा पाव खा रही है, दिल्ली का बड़ा पाव खा रही है। हाँ ठीक है चलेगा, खाते हैं बड़ा पाव। नॉर्मल वाला चिप्स नहीं है।
ते को ना जो भी चिप्स होना ना तो ले ले और डाल दे बैग में फटाफट। ये टोमेटो चिप्स दो ले लेती हूँ, ये वाले चिप्स दो ले लेती हूँ, ये देखो ये रहा गर्मा गर्म वड़ा पाव, ये ले। तो हमारी टैक्सी भी आ गई है, हम लोग है ना गाड़ी में बैठ के वड़ा पाव एंजॉय करते हैं और होटल चलते हैं। चलो वड़ा पाव लो, वड़ा पाव लो, वड़ा पाव बेंगलोर का वड़ा पाव। चलो बेटो, पापा ने बुक कराई एक 5-स्टार होटल जिसमें मेरी एंड मम्मी की एक सेपरेट रूम होगी, बड़ा मजा आएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आ जाओ अभी मैं आपको है ना रूम टूर कराती हूँ। ये देखो ये रही हमारी रूम, ये रहा इधर की साइड बेड और इधर की साइड टीवी, मिरर और विंडो से ये व्यू, यहाँ से रोड दिख रहा है, मस्त है ना, बहुत अच्छी रूम है। यहाँ पे सोफा भी है बैठने के लिए, तो आराम से एडिटिंग कर सकती है यहाँ पे चैन से। यस। फिर हमारी नजर पड़ी कुछ ऐसी चीजों पे, हमने सोचा भाई ये क्या चीज है, होटल वालों ने फ्री दे रखी है ये हमें। चॉकलेट भी है यहाँ पे। चाय पीनी है? चाय नो। ये देखो ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम में कितना बड़ा मिरर है। पापा इधर आओ ना, यहाँ पे देखो ये क्या रखा हुआ है, ये जूस है ना। अरे दवाई की बोतल है वो। नहीं झूठ बोल रहा है। दवाई? अरे वो मतलब खांसी वासी हुई, किसी का सर वर दर्द दे रहा या थकान हो रही तो उसकी दवाई है वो रखे वाली। वाह यार आजकल होटल में दवाई भी रख रहे हैं। ये दवाई का नाम है बकार्डी। सिमरन ऑफ। सिमरन ऑफ ये कौन सा नाम है दवाई? 100 पाइपर मतलब 100 पाइपर। बिलेंडर प्राइड। यार अजीब नाम है ये दवाई के, लेकिन चलो ठीक है, कितना अच्छा है ना मम्मी कि होटल में दवाइयाँ भी रखी हुई है। फर्स्ट टाइम देखा है इसे बैंगलोर में, इतने सारे अपन घूमे होटल में तो कभी नहीं था, पर ये फर्स्ट टाइम है। हाँ ये फर्स्ट टाइम है। चलो बढ़िया कर रहे हो आप, चलो इधर आओ। हेलो। अरे मैं देख रहा था कि भाई वो दवाई कैसे है। कुछ नहीं देखने का, आपको कोई जरूरत नहीं दवाई। हाँ क्या जरूरत है, टैबलेट लाए वाले मेरे साथ। टैबलेट नहीं खानी है पापा को। आओ बैठो वही पे। क्यों देख रहा मैं, देख रहा मैं ये क्या है, ये क्या है, ये किंगफिशर कुछ तो भी लग रहा हूँ। ग्लास में पानी दो ना। क्या? ग्लास में पानी दो ना मुझे। ग्लास में पानी दो। हाँ पे ऐसे क्या देख रहे, इतने भी सुंदर नहीं हूँ मैं। देख रहे क्या चल रहा है आपको, बट ये देखो वो नहीं वाला, मुझे कांच की बोतल वाला पानी चाहिए। ये वाली कांच वाली बोतल वाला। हाँ वो वाला पानी। इधर आ। क्या है ये वाला पानी भी दिखा? ये कौन सा पानी है, कितने का है ये? मिनरल वाटर ना? नहीं नहीं वो नहीं, देखिए ये पानी है 400 रुपीस का पानी, पीतीगा 400 रुपए का पानी पियेंगे हम। ये देखो ये वाला पानी लो, ये फ्री का हैंडपंप का पानी। हैंडपंप का नहीं है वो। वेटर कैसे डालते हैं? अरे डालो जल्दी, यहाँ पे प्यास से इंसान मर जाना है, वहाँ वेटर कैसे डालते? इतने स्लो पानी डाल रहे पापा, चलो ना। अरे पापा रहने दो। एक मिनट। दो। इतना प्यास से वहाँ पर। गणपति पापा को साथ में लेकर जाते हैं, गणपति पापा भी हमारे साथ ट्रैवल करते हैं। देखो क्या बोल रहे हो पापा, ये आर पार दिखने वाला मिरर है, देखो उंगली टच हो रही ना। हाँ टच हो रही है उंगली, मतलब जो उंगली टच होती है वो आर पार दिखने वाला मिरर होता है। देखो ये उंगली टच हो रही, पूरी टच हो रही, तो वो आर पार दिखने वाला मिरर है। अच्छा और गाइस मैं भी रेडी हो गई हूँ, देखो नीचे मुझसे मिलने कुछ फैंस आए हैं, उनसे मिल के आते हैं। हाय कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। हाय इंस्टाग्राम में आप स्टोरी डाले और मैं जस्ट देखी और हम लोग निकल गए। थैंक यू सो मच। आप पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। थैंक यू, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए, थैंक यू सो मच।
थैंक यू, मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट। तो मैं ना नीचे अपने फैंस से मिल के आ गई हूँ, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर है ना रेस्टोरेंट है, मस्त ऊपर जाएंगे एंजॉय करेंगे। जिस 5-स्टार होटल में हम स्टे कर रहे हैं वहाँ ऊपर एक रूफ टॉप पब भी है, तो चलो चल के देखते हैं, बैंगलोर की नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं। ये देखो ये रहा रेस्टोरेंट, वाव ये रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, कितना मस्त है देखो, वाव कितना मस्त है पप्पा यहाँ पे देखो। मैच चल रही है उधर के साइड, देखो वहाँ पे बैठते हैं ना पप्पा, बट ऊपर कैसे बैठोगे आप? हाँ बैठने का, तुम बैठो, बैठते हैं वहाँ पे। हाँ हम दोनों बैठते हैं, चाबी संभालो मम्मा। हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि पापा अपने साथ आए ही नहीं, हम दोनों ही एंजॉय करेंगे। yes. देखो गाइस मैं मम्मी के साथ डेट पे आई हूँ, लाओ दो अपना हाथ प्यारी मम्मा, आई लव यू, आई लव यू। देखो मम्मा और मैं हम दोनों कैंडल लाइट डिनर कर रहे हो, पापा आए देखने के लिए। मैं वेटर बनने वाला है, मैंने इनको एक कैंडल ला के दिया है। जल्दी से खाना लाओ। और ये टेबल फॉर टू उसके लिए बैठा, मतलब यहाँ पे है ना सिर्फ दो लोगों के लिए टेबल है, और ये है ना दोनों वहाँ बैठ गए और मैं खड़ा है यहाँ पे। अरे तो आप उधर बैठे हो ना, तो तुम यहाँ क्यों बैठे? जब ये दो लोगों के लिए टेबल है तो तुम यहाँ क्यों बैठे, वहाँ हमारे साथ क्यों नहीं बैठे? मेरे को मजा आ रहा है मम्मी के साथ, हम दोनों अकेले घूमने आने वाले, इसीलिए हम आने वाले अकेले घूमने। आप चाहते हो कि हम दोनों आए अकेले? तुम अकेले घूमो जाओ, ट्राई करेंगे गाइस। मुझे अकेले ना बहुत डर लगता है रात में, मतलब होटल में ऐसे लगता भूत भी आ जाएंगे, इसलिए मैं डरती हूँ। इसीलिए मम्मी नहीं चलती, मैं कितना जिद करती हूँ हमें जाना चाहिए ऐसे घूमने, वेकेशन के लिए जाना चाहिए। ये देखो ये हमने मंगाया पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज, कैसे लग रहा है? टेस्टी है, टेस्टी है ना। आगे का नज़ारा तो देख, ये देखो आगे का नज़ारा, देखो पापा बार बार है ना इधर हमारे पास देख रहे हैं ना, तो जो पीछे लड़की बैठी हुई है ना उधर मम्मी के पीछे, उसको बहुत टेंशन आ रहा है कि ये लड़का इधर हमारे पास क्यों देख रहा है बार बार। उसको क्या पता वो मेरे पापा और मम्मी के पति है। ओ सुनो इधर आओ, इधर आओ ना, आप मेरे मम्मी पे लाइन क्यों मार रहे हो, उधर से क्यों घूर घूर के देख रहे हो? बोलो जल्दी क्या है ये? ऐसे नहीं देखने का। अरे सब लोगों को पता नहीं है ना कि हम कौन है। हाँ। तो उनको ऐसे लग रहा कि है ना, मतलब मैं क्यों इस लड़की को घूर घूर के देख रहा। रूफ टॉप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो है ना ऐसे, मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे कपल बैठे हैं, अब जैसे कि तुम यहाँ पे बैठे हो, मैं उधर अलग टेबल पे मैं बैठा रहा, तो मैं वहाँ से बार बार पलट पलट के देख रहा, तो सबको ऐसे लग रहा कि मैं ना इस लड़के को क्यों घूर घूर के देख रहा। क्यों देख रहे हो? अभी तू जोर से चिल्ला थोड़ा सा, लोग देख मेरे को कसा के मारेंगे। और फिर मार खाने के बाद मैं बोलूँगा अरे ये हमारी बीवी है। सबको ऐसा लग रहा है कि हम अनजान हैं और हम है ना अभी अभी मिल रहे हैं, जस्ट ये फर्स्ट मीटिंग है हमारी, तो उनको है ना एक थोड़ा सा झटका दे देते हैं। हम लोग जा रहे, थोड़ा सा बाहर जाएंगे, कुछ तो भी खाएंगे वाएंगे, डिनर करेंगे। हमने यहाँ पे ऊपर है ना सिर्फ स्नैक्स वगैरह खाया, थोड़ी देर है ना टाइम स्पेंड किया, फिर अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने। मम्मा बहुत थक गई मेरी प्यारी मम्मा, कैसे लगा बट आपका मेरे साथ डेट पे चल? बहुत अच्छा लगा, रोज चलेंगे डेट पे। हाँ देखो मुझे यहाँ पे मुझे और एक फैन मिल गई, और ये भी मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये देखो ये आ गई हमारी कैब, अभी हम लोग चलते हैं, लेट्स गो। तो
ये है बैंगलोर की नाइट लाइफ। हम अब आ गए हैं ब्रिगेड रोड में एंड ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ कोई कार्निवल फेस्टिवल चल रहा हो। कौन सा रोड है पप्पा, ये फिर से बोलो। ये ब्रिगेड रोड पे आए हम अभी। कितना मतलब अच्छा है, देखो नहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ भी फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे। हाँ, बहुत मस्त लग रहा है ये देखो। महाराज ना वो तो अभी हम लोग आए ब्रिगेड रोड, यहाँ पे देखो ना कितना मस्त है यार, लाइटिंग वगैरह लगा के रखी, ऐसे लग रहा है एक फेस्टिवल है आज। देखो यहाँ पे हम लोग है ना शॉपिंग भी कर सकते हैं। पर चलो ना शॉपिंग करते हैं। क्या शॉपिंग करने का है? कितना अच्छा लग रहा है ना मम्मी ऐसे नाइट में घूमने के लिए। हाँ देखना 11 बजने वाले हैं फिर भी इतने सारे लोग हैं रोड पे। यस, मतलब बहुत अच्छा, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं यहाँ से, बहुत मस्त है ये। ऐसे हम चाहते हैं कि हमारे मतलब हमारी सिटी में भी ऐसे हम नाइट में घूमने जा रहे हैं। हमारी सिटी में 9 बजे के बाद सब बंद हो जाता है, कोई भी नहीं रहता। हाँ एकदम खाली खाली हो जाता है, ऐसे नाइट लाइफ देखनी है हमको भी। लड़कियाँ भी बाहर है यहाँ पे तो। हाँ तो 7 बजे के बाद हमारे यहाँ लड़कियाँ बाहर भी नहीं निकलती, सब बंद हो जाता है ना। कितनी चहल पहल है, कितना मस्त एरिया है ये देखो। नॉन स्टॉप यहाँ पे चहल पहल चल रही है। यहाँ पे एक सिस्टम बहुत अच्छा है देखो, अगर कुछ हो जाता है इमरजेंसी में यहाँ पे पैनिक वाला बटन भी है, देख रहे हो। तो हमने बैंगलोर की बहुत मस्त नाइट लाइफ देखी जो हमारे सिटी में नहीं होती है। अब कल पापा को बहुत इम्पोर्टेंट काम है यहाँ, तो मैं और मम्मी अकेले बैंगलोर घूमेंगे एंड एंजॉय करेंगे। तो मेरा फेस वॉश एंड स्किन केयर दोनों हो गया, अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आप लोग जल्दी से वीडियो को ढेर सारी लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं।